हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका अगर प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास इन जॉब स्टेलर में। तो दोस्तों, जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास इन जॉब स्टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन, साथ ही साथ जो बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट वीडियोज़ को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो आपको बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन आया है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता से, जहाँ पर इन्होंने मैंसन कर रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट एट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस अंडर द एजिस ऑफ प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता। तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी निकाला गया है, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक, बायो स्टेटिस्टिक, एपिडेमियोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, पॉपुलेशन जेनेटिक, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक्स, मॉलिकुलर पैरासाइटोलॉजी, सिंथेटिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड वैक्सीन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे टोटल नंबर पोस्ट है 12, इसमें कि 8 जॉइन रिजर्व पोस्ट हैं, 2 SC, 1 ST, 1 OBCA, 1 0 OBC भी। तो यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो टोटल यहाँ पे 12 वैकेंसी इन्होंने मेरे के लिए ली मेंशन कर रखा है। लास्ट डेट जो है वो आपका जो है 4 अप्रैल 2022 है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 11 सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ, और आपका स्लेट सेट या नेट यूजी नेट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने PhD डिग्री किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी किया है तो आपका यूनिवर्सिटी टॉप 500 में रैंक आना चाहिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, और जो रैंकिंग वैलिड है वो है QS द और आपका ARWU। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा ग्रेजुएशन है मास्टर लेवल में, अगर आप SC ST या AOBC से बिलोंग करते हैं, तो ये सब यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट नोट दे रखें, ये आप जरूर पढ़िए अप्लाई करने से पहले। इसके अलावा स्केल ऑफ पे जो रहेगा वो आपका रहेगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो 57,700 to 1,82,400 एट एकेडमिक लेवल 10। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेस पे होगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन आपका रहेगा वो आपका API इंडेक्स के बेस पे रहेगा। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% अबव मार्क्स है तो 15 रहेगा, 16 टू लेस देन है तो आपको यहाँ पे 13 का स्कोर दिया जाएगा। PG में अगर 80% अबव है 25, 60% टू लेस देन 80% 23। तो इस वे में आपको जो है यहाँ पे जो आपका API इंडेक्स कैलकुलेट होगा, आपको जितना स्कोर आएगा उसकी बेस पे जो है आपका आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो आपको यहाँ पे जो है बुलाया जाएगा। इसके बाद MPhil में 7, PhD में 30 स्कोर, नेट विद GRF 7, नेट 5, स्लेट या सेट 3, रिसर्च पब्लिकेशन अगर आपके पास मैक्सिमम 5 में तो 10, टीचिंग या पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस 2 मार्क फॉर ईच ईयर तो 10, अवार्ड अगर आपके पास कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल अवार्ड है तो 3, स्टेट लेवल अवार्ड है तो 2। तो इसमें में आपका जो है स्कोर जो है वो आपका बनाया जाएगा। तो अगर आप उस स्कोर में जो है जो कट ऑफ स्कोर रहेगा उसमें अगर आपका स्कोर आता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू डायरेक्टली होगा। तो अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है लॉग आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, तो न्यू यूजर रजिस्टर ने अप्लाई, उसके बाद जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से जो करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।